नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। मैं रोज आपके साथ नए नए विचार, नई नई भावनाएं आपके साथ बांटती हूँ ताकि आपको रोज कुछ नए टिप्स, कुछ नए जिंदगी की सीख मिल सके। अभी तक जो मैं आपको वीडियोस दे रही थी वो थी जिंदगी के ऊपर, जिंदगी की मोटिवेशनल के ऊपर। अब थोड़ा सा मैंने इसमें कुछ चेंज किया है, जो अब मैं आपको वीडियोस, कल भी जो मैंने बनाई वो स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को लेकर थी, अब जो मैं बना रही हूँ वो खासकर महिलाओं के लिए है कि वित्त प्रबंधन महिलाएं कैसे और किस तरह से कर सकती हैं, क्योंकि लॉकडाउन के समय में बहुत सारे घरों में पुरुषों की नौकरियां चली गई या उनकी सैलरी में कट लग गया, तो हमें भी, औरतों को भी अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता है कि जो वित्त का एरिया है, फाइनेंस का एरिया है, जो वो है वो पुरुषों का है और पुरुष उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और स्त्रियों को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि पुरुषों को चाहिए कि वो स्त्रियों को भी अपने इस फाइनेंस के मुद्दे में शामिल करें। वो कहीं ना कहीं आपको घर चलाने के अच्छे सुझाव दे सकती हैं, अच्छे सिस्टम दे सकती हैं, क्योंकि अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो उन्हें नहीं पता लगेगा कि आप किस तरह के स्ट्रेस या तनाव से गुजर रहे हैं, किस तरह के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर, क्योंकि हर एक का ज़िंदगी जीने का अलग अलग लाइफस्टाइल है, हर कोई अपने हिसाब से ज़िंदगी जीता है, कोई कम खर्चे में ज़िंदगी चलाकर जीता है, कोई ज़्यादा खर्चे में चलाकर खुश होता है, कोई कर्ज ज़्यादा लेकर खुश होता है, तो कोई बिल्कुल कर्ज लेकर नहीं खुश होता। तो आज मैं यहाँ जो बात करूँगी वो भिन्न भिन्न व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों की बात करूँगी और वो अपने अपनी चीज़ों पर कैसे काबू पाएँ ताकि उनके जो फाइनेंसेस हैं वो ठीक तरह से चलें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्जा लेने वाले व्यक्ति। बात बात पर बहुत से लोगों को आदत होती है कि मेरी सैलरी इतनी है तो हम जो भी चीज़ घर की लाएंगे वो हम ईएमआई पे लेके आएंगे, क्योंकि ईएमआई देनी उन्हें बड़ी आसान लगती है, जबकि ये नहीं पता कि ईएमआई के आड़ में बैंक वाले उनसे कितना इंटरेस्ट फालतू ले जाते हैं, जो अगर वो एक मुश्त, अगर उनकी हिम्मत बनती है तो एक मुश्त देकर वो सामान को उठा सकते हैं। ईएमआई के चक्कर में उनके ऊपर कितना इंटरेस्ट पड़ जाता है वो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं लगा पाते हैं। और क्रेडिट कार्ड के भी चार्जेस पड़ते हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड से कोई सामान ले रहे हैं और उसकी ईएमआईस लगवा रहे हैं तो, और अगर हमने कोई गाड़ी की किस्तें ली, कोई मकान की किस्तें ली, तो सबके ऊपर तो हमारा जो है वो इंटरेस्ट का मीटर घूम रहा है। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ खरीदनी है उसके लिए मैं कहती हूँ कि आप लोन ले सकते हैं, पर इस समय के दौरान हमें ये एक सीख लेनी चाहिए कि हमें कर्जा उतना उठाना चाहिए कि कल को अगर हमारी नौकरी चली जाए, हमारी सैलरी में कट लग जाए या हमारी बिजनेस जो है फाइनेंशियल पोजिशन की वजह से डाउन आ रहा है, तो हमारे पास उतना बैक अरेंज जरूर होना चाहिए कि हम उन किश्तों को आराम से निपटा सकें, हमारे ऊपर कोई तनाव ना आए। ये तो हो गए जो लोग कर्जों के ऊपर विश्वास रखते हैं। दूसरा, जो कुछ लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने इस फंडे पर चलते हैं, खाओ पियो उड़ाओ और मौज करो, कल किसने देखा है। मैं मानती हूँ कि ये जो टॉपिक है वो बड़ा अच्छा है कि खाओ पियो उड़ाओ मौज करो, कल किसने देखा है, पर आपके साथ आपका परिवार जुड़ा है, आपके साथ आपके बच्चे जुड़े हैं, तो ठीक है, अगर आपको कुछ हो गया, आप चले गए, तो आपके परिवार, आपके बच्चों का क्या होगा, उनके स्टेटस कैसे मेंटेन होगा, कैसे काम होगा, कैसे चीज़ों को वो लोग पार पाएंगे। तो अपनी इस आदत पे थोड़ा सा रोक लगाइए। कई बार लोग क्या कहते हैं कि ठीक है 50,000 सैलरी है, हमने 50,000 ही महीने का खर्च कर देते हैं, हम बचाते कुछ नहीं, किसके लिए बचाना है, कल किसने देखा है। तो थोड़ी सी बचत की आदत डालिए, अपने फाइनेंसेस, अपने ख़रीदारी को दोबारा से एक बार चेक कीजिए कि कौन सी जो है चीज़ें जो अननेसेसरी खरीदी जा रही हैं और जिनका एक बार हम प्रयोग करते हैं उसके बाद हम उसको साइड पर रख देते हैं और सिर्फ उतनी चीज़ें खरीदें जितनी वाकई ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी हैं। अननेसेसरी की चीज़ों को इकट्ठा ना करें, उससे बेटर ये है कि आप अपने कुछ जो है बचत करना शुरू करें। अब मैं आती हूँ तीसरी तरह के लोग। कुछ लोग होते हैं कि बाज़ार में 6,000-8,000 लेके गए, उसमें से 1,000 रुपया बचा कर ले आए तो अपनी बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं और कहते हैं वाह वाह देखो भैया, आज तो हमने बहुत अच्छा काम किया और आज हम बाज़ार से इतने पैसे बचा कर ले आए। तो उसमें कोई बहुत खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने प्लानिंग तो की नहीं थी। जब प्लानिंग नहीं की थी तो खर्च उसमें से कुछ बच भी गया या आपको सेल में कोई सस्ता सामान मिल गया इसलिए आप ले आए। तो आपको अपनी प्लानिंग जो है वो करनी पड़ेगी कि अगली बार जब हम बाज़ार में 6,000 का सामान लेने जा रहे हैं, हम टारगेट 6,000 का करके जा रहे हैं, तो हमने सामान जो है 4,000 का लेके आना है। हमने यही सोच के जाना है कि हमारे पर्स में 4,000 रुपया है, हमने इसी से काम चलाना है। सबसे मोटा और इम्पॉर्टेंट मुद्दा कि हमें निवेश पर जो है हमेशा नज़र बना के रखनी है। लोग क्या करते हैं,
खर्च करने के बाद जो बचता है उसकी बचत करते हैं, बचत करने के बाद जो बचता है उसको खर्च नहीं करते हैं। हमने क्या करना है कि अगर हमें सैलरी 50,000 मिलती है तो उसका 10% यानी कि 5,000 रुपये हमने अलग निकाल कर रख देना है, और ये सोचना है कि हमें सिर्फ मंथली 45,000 रुपये ही मिल रहा है और हमने इसी में अपने घर के खर्चे चलाने हैं, इसी में अपनी प्लानिंग करनी है, इसी में अपनी किस्तें देनी है, इसी में अपने सारा एंटरटेनमेंट करना है, सैर सपाटा करना है और घूमने फिरने जाना है। और वो जो 5,000 रुपये है वो ये सोचना है कि हमारे पास आ ही नहीं रहा, चाहे कितनी मर्जी इमरजेंसी आ जाए, उसको एक ऐसे फंड में डाल कर रखना है कि जब हमें ज़रूरत हो हम उसको इस्तेमाल कर सकें। वो फंड कैसे, हमने 5,000 को भी हमने तीन हिस्से में बांटना है। एक हमने इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म फंड के लिए, सेकंड इन्वेस्टमेंट करनी है हमने मध्यम टर्म फंड के लिए, थर्ड इन्वेस्टमेंट करनी है शॉर्ट टर्म फंड के लिए। शॉर्ट टर्म फंड जब हमारी कोई बहुत ऐसी ज़रूरत आ जाएगी कि जिसमें हमें लगेगा कि अब हमें ये इस पैसे की वाकई ही ज़रूरत है, उस समय वो हम पैसे को निकाल सकेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म अवधि वाले जो फंड हैं वो हमें ज़्यादा रिटर्न देते हैं, इसलिए हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। मध्यम टर्म वाले उससे कम देते हैं, शॉर्ट टर्म वाले बिल्कुल कम देते हैं। तो हमें उस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करके चलना है। घर की स्त्रियों को भी खर्च के ऊपर मैनेज करना पड़ेगा कि हम घर की इतना राशन मंगाते थे, इतनी सब्जी मंगाते थे, उसमें से हमारा कितना यूज़ अब हो रहा है, उसके हिसाब से हमें अब काम करना पड़ेगा, अपने माइंड को रीसेट करना पड़ेगा, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को रीसेट करना पड़ेगा, ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, चीज़ों को दोबारा से एक्सेस करना पड़ेगा, बच्चों के खर्चों को लेकर करना पड़ेगा कि अगर हम आगे ब्रांडेड चीज़ें पहन रहे थे और हमारे इतने खर्चे हो रहे थे, तो अब हमें उन सब चीज़ों को लेकर एक जगह पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ नया बनाना पड़ेगा, कुछ नई चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, कुछ नई चीज़ें हमें स्विच ओवर करनी पड़ेंगी, कुछ पुरानी गलत आदतों को छोड़ना पड़ेगा। आजकल होटल रेस्टोरेंट्स तो वैसे ही बंद हो गए हैं, और अगर अभी हम घर पर बना रहे हैं तो कुछ वक्त के लिए घर पर ही खाना खाएं, कुछ वक्त के लिए घर पर ही सामान बनाएं, तो आपके जो फाइनेंशियल्स हैं उसमें काफ़ी बचाव हो सकता है। तो ये मेरे आज के कुछ फाइनेंशियल टिप्स थे, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएंगे और आप अपनी घर की स्त्रियों को इस वित्त प्रबंधन में शामिल करेंगे। और इसी के साथ मैं आज की अपनी वीडियो जो है वो ख़त्म कर रही हूँ। मैं सारे सोशल हैंडल्स पे हूँ, फेसबुक पे हूँ, यूट्यूब पे हूँ, ट्विटर पे हूँ, कोरा पे हूँ, लिंक्डइन आईडी पे हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।